बाहुबली नॉर्दर्न प्लेन्स का शब्द हुआ, गोवा में क्या कहते हैं? गोवा में हम डॉन गोवा में आप माइकल को क्या कहेंगे? माइकल लोबो ऐसे है जो आज कह रहे हैं कि 5 सीटों पे मैं अपने उम्मीदवार ला सकता हूँ, वो तो डेफिनेटली, ये तो केक तो किंग है या किंग मेकर है। और आज जब पर्रिकर जैसे नेता नहीं रहे तो गोवा की राजनीति वापस उसी आया राम गया राम तो हरियाणा में हुआ करता था, लेकिन गोवा में कभी कभी लगता आया सरदेसाई गया सरदेसाई, या कहिए आया माइकल गया माइकल। अब गोवा वाइल्ड वेस्ट हो गया है, और सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, वो सारी पार्टीज के लिए। तो हम ये समझना चाहते हैं कि गोवा में एक क्या हम एक पर्सनालिटी कल्ट में फंस गए? इंस्टीट्यूशंस क्यों ग्रो नहीं कर पाए, चाहे बीजेपी की बात हो चाहे वो दूसरी पार्टीज की बात हो? तो मनोहर पर्रिकर ने अपनी एक पर्सनालिटी बना दी कि मैं इन बाकियों से अलग हूं, लेकिन उसी मनोहर पर्रिकर को एंड में डिफेक्टर्स का हेल्प लेना पड़ा सरकार में 2017 बनाने में। वो बीजेपी का वोट शेयर नहीं था, वो मनोहर पर्रिकर जी का वोट शेयर था, क्योंकि अगर बीजेपी का वोट शेयर होता तो प्योरली विचारधारा पे होता, और अगर वो विचारधारा लाके अगर बीजेपी यहाँ अपना वोट शेयर बनाने की कोशिश करती तो वो फेल हो जाती। उत्पल पर्रिकर इज द वाइल्ड कार्ड ऑफ दिस इलेक्शन। प्रमोद सावंत रिप्रेजेंट्स न्यू बीजेपी इन अ वे, एंड उत्पल पर्रिकर रिप्रेजेंट्स ओल्ड बीजेपी। जो मनोहर पर्रिकर के क्लोज लोग थे, जो उनके नजदीक लोग थे, उन्होंने एक तरह से उत्पल पर्रिकर के जरिए एक मैसेज देना चाहा है बीजेपी को कि हम भी हैं, अभी भी हमें मत भूलिए। मैंने किसी को आज कह दिया कि कांग्रेस का सीएम के लिए फ्रंट रनर क्या दिगंबर कामत है, उन्होंने कहा राजदीप कोई रनर ही नहीं रह गया तो एक ही तो फ्रंट रनर होगा, बाकी सब रनर तो भाग गए। पहली बार कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई कि 38 सीट्स के ऊपर एक नया उम्मीदवार दे सकते हैं। कांग्रेस इज अ पार्टी विद इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जब टीएमसी यहाँ पे आ गई, उन्होंने वो कॉन्ट्राडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स हटाना शुरू किया। आज जब हम इस राजनीति की बात कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा सवाल वही है कि 65% से ज्यादा लोग, आप कभी कोई भी सर्वे देख लो, वॉन्ट चेंज इन गवर्नमेंट। लेकिन अगर उसी 65% को आप बोलोगे कि कौन सी सरकार चाहिए, वो डिवाइडेड, एक फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन है। 2015 में आपने बड़ी जीत हासिल की थी दिल्ली में, तो आपको लगा कि अब हमने दिल्ली जीत ली है, अब हम दूसरे छोटे राज्य में चलते हैं, गोवा जीत जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस 2021 में बंगाल जीतती है, उनको लगा अब हम बंगाल जीत गए, अब हम ऐसे राज्य में चलते हैं जहां माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, क्योंकि क्रिश्चियन और मुस्लिम अगर ऐड करें तो 30% से ज्यादा। ममता बनर्जी इज द डार्लिंग ऑफ माइनॉरिटीज, उन्होंने मोदी जी को टक्कर दी है, गोवा में भी टक्कर देंगे। कुछ हद तो आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 सालों में मेहनत की है एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए, नेता ढूंढने के लिए, जो आसान नहीं है गोवा में, बट मेन कम से कम कोविड के टाइम पर आम आदमी पार्टी के लोग जमीन पर दिखाई दिए गए। कि गोवा के लोग वैसे कास्ट पॉलिटिक्स पर करते हैं, लेकिन आपको भी पता चला है कि हम लास्ट टाइम कैथलिक वोट पर खेले थे, उससे चुनाव नहीं बनता, हमको दोनों समाज को साथ लेकर करना है। तो आई थिंक आप हैज बेटर प्रॉस्पेक्ट्स। टीएमसी ने एक बिजनेस एंटरप्राइज की तरह गोवा में आ गए हैं, एक प्लेटफॉर्म हम नया देंगे, वो आसान नहीं है। कि अगर कल आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें आ जाती है और बीजेपी को 4 सीटों की जरूरत है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। जब तक टीएमसी नहीं आई थी, सबको सब आपको कह रहे थे कि बाहर वाली पार्टी है, ये नई पार्टी है। टीएमसी आ गई और आप पुरानी लगने लगी। गोवा में किंग मेकर की कोई कमी नहीं है, किंग की कमी है। वो कौन से मुद्दे हैं जिनकी बात इस पॉलिटिकल गेम में हो नहीं पा रही है? गोवा में कौन सी बातें होनी चाहिए थी, आम गोवन के इश्यूज कौन से हैं जो इस पॉलिटिकल केओस में, जिनके बारे में हम सुन नहीं पा रहे हैं, स्पेशली नेशनल मीडिया? गोवा के लोग अभी भी, जैसे आपने कहा, दिल बड़ा है हमारा, हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते लाइफ में जितना आप लोग उत्तर भारत में स्ट्रेस लेते हैं। नहीं, वो देख रहा है सर शर्ट में।